Hello students, welcome to getlectures.com. I am Puspanje Kashyap. Today, this is the sixth lecture of fluid mechanics. In this lecture, we will learn the types of fluid, a Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. In previous lecture, we saw the Newton's law of viscosity, and the fluid which follows or obeys the Newton's law of viscosity is called the Newtonian fluid. Okay? तो आज के लेक्चर में हम लोग टोटल टाइप ऑफ फ्लूड्स देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक एग्जाम में टाइप ऑफ फ्लूड के ऊपर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड. ओके, फर्स्ट वन, फर्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ फ्लूड. द फ्लूड, द टाइप्स ऑफ फ्लूड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन. न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. न्यूटोनियन फ्लूड जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, आज उसका डिटेल्ड वर्जन देखेंगे. नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट. द टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, डायलेटेंट फ्लूड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड, बिंघम प्लास्टिक फ्लूड. एंड टाइम डिपेंडेंट फ्लूड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपेटिक. ओके, तो एक एक करके आज हम लोग टोटल टाइप्स ऑफ फ्लूड देखेंगे और उनके ग्राफ की भी स्टडी करेंगे, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में ग्राफ दे देता है और पूछता है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ फ्लूड. ओके, तो सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूड से स्टार्ट करेंगे. न्यूटोनियन फ्लूड से फिर आएंगे नॉन न्यूटोनियन पे. नॉन न्यूटोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट दोनों फ्लूड्स की स्टडी करेंगे. कंप्लीट स्टडी इस लेक्चर में करेंगे हम लोग. ओके, नाउ लेट्स द फर्स्ट न्यूटोनियन फ्लूड. न्यूटोनियन फ्लूड, सबसे पहली बात जब आपने लास्ट लेक्चर में देखा, सबसे बड़ी चीज है म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. न्यूटोनियन फ्लूड में म्यू आपका कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो. ओके, जितना फ्लो होगा उसमें म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी विल कॉन्स्टेंट. यानी कि द फ्लूड डेफिनेशन देखते हैं, विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड. ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या थी? द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपन डी टी और डी यू ओवर डी वाई. यहां पर देखते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा और डी यू ओवर डी वाई. एंड फ्रॉम हियर म्यू इज इक्वल टू टाउ अपन डी यू ओवर डी वाई. म्यू इज इक्वल टू टाउ अपन डी यू ओवर डी वाई. तो अगर मैं टाउ वर्सेस डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी कर्व पे मैं न्यूटोनियन फ्लूड को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? इट मीन्स यहां पर डायरेक्ट बोल रहा है न्यूटोनियन फ्लूड में म्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है. म्यू कॉन्स्टेंट होती है. तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, दिस इज टाउ वर्सेज डी थीटा ओवर डी टी. टाउ वर्सेज डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी कर्व पे मैं न्यूटोनियन फ्लूड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. तो यहां पर अगर आप देखें तो टाउ वर्सेज डी यू ओवर डी वाई में म्यू क्या है? म्यू इज अ स्लोप ऑफ, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज टाउ रिप्रेजेंट वाई एक्सिस पे है और डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी ये आपका एक्स एक्सिस पे है. तो tau over du over dy represent the slope of the line, slope of the curve. अगर आप न्यूटोनियन फ्लूड को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले म्यू तो आपकी कॉन्स्टेंट होगी, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन विल कॉन्स्टेंट. तो अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूड को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. अगर आप कहीं पर भी देखो, अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखो इस लाइन का, तो स्लोप विल कॉन्स्टेंट. स्लोप यानी कि स्लोप, दिस इज स्लोप, स्लोप कॉन्स्टेंट. और अकॉर्डिंग टू
Newton's law of viscosity, mu represents the slope of line which इसमें अगर आप देखो तो म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ वर्सेस डीयू ओवर डीवाई और डी थीटा ओवर डीटी कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई भी लाइन है तो उसके स्लोप को म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. तो न्यूटोनियन फ्लूड में म्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कांस्टेंट. दैट इज दिस इज न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूड. तो आपने देखा टाउ वर्सेस डी ओवर डीवाई और डी थीटा ओवर डी टी में न्यूटोनियन फ्लूड एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओके, जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में आते हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूड जिसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यहां पर बहुत ही एक अच्छा सा रिलेशन आता है. अगर आप देखें तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करेगी, द फ्लूड विच डजंट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों होता है. तो अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, पहले नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को देखेंगे, फिर हम टाइम डिपेंडेंट की बात करेंगे. तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को डिफाइन किया ओस्टवाल्ड डी वेले पावर डी वेले मॉडल, जो कि पावर लॉ से आता है. आपको डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो कंक्लूजन है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे और फ्लूड को डिवाइड करेंगे. नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के डिफरेंट टाइप्स जैसे डायलेटेंट, स्यूडो प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरह से उन्हें देखना है और कैसा कर्व होगा उनका, ओके. तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि ओस्टवाल्ड डी वेले मॉडल क्या था. इन्होंने डिफाइन किया फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, टाउ इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, एंड एम रिप्रेजेंट्स फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ओके. यहां पर एम और एन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, एंड एम रिप्रेजेंट द फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स. नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के लिए ओस्टवाल्ड डी वेले मॉडल, टाउ इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन. इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, tau is equal to m du over dy to the power n minus 1 into du over dy, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है. तो अगर आप यहां पर बात करते हैं तो नेक्स्ट इसी में मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, tau over du over dy is equal to m into du over dy टू द पावर n minus 1. अगर आप देखो तो न्यूटोनियन फ्लूड में टाउ डी यू ओवर डी वाई ये क्या है, म्यू है. न्यूटोनियन फ्लूड में इसे म्यू कहते हैं, बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में वहां पर क्या होता था, म्यू इज इक्वल टू दिस. तो यहां पर इस टर्म को मैं क्या कह सकता हूं, म्यू अपेरेंट, दिस रिप्रेजेंट अपेरेंट विस्कोसिटी, अपेरेंट विस्कोसिटी apparent viscosity. तो यहां पर मैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू, इसे मैं म्यू अपेरेंट कह सकता हूं, म्यू अपेरेंट इज इक्वल टू, दिस इंडिकेट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन और कर्व बिटवीन टाउ एंड डी यू ओवर डी वाई एक्सिस, ओके. तो म्यू अपेरेंट इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन माइनस वन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूड, अगर मैं न्यूटोनियन फ्लूड की बात करता हूं तो म्यू जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड होती है, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी. बट हेयर म्यू अपेरेंट, दिस इज अपेरेंट विस्कोसिटी,
तो इसके लिए जो आप म्यू अपेरेंट मैं यूज कर रहा हूं, मैं म्यू भी यूज आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो सिचुएशन. प्रॉपर्टी फ्लो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. बट यहां पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में दिस म्यू रिप्रेजेंट्स द नॉट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड. ओके, दिस इज डिपेंड अपॉन द फ्लो सिचुएशन. तो एक सिंपल सा हम लोग नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, फॉर न्यूटोनियन फ्लूड म्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड. फॉर न्यूटोनियन फ्लूड म्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड. एंड फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, बट फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड म्यू इज नॉट अ प्रॉपर्टी, म्यू इज नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो फ्लो सिचुएशन, फ्लो सिचुएशन. ओके, तो ये बात ध्यान रखना. जो यहां पर मैं म्यू अपेरेंट इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डिवाइड टू द पावर एन माइनस वन लेके चल रहा हूं, आप इसे ये भी लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, वेर एन रिप्रेजेंट्स द फ्लो बिहेवियर इंडेक्स एंड एम रिप्रेजेंट्स द फ्लो कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट. ओके, तो यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है. मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की एनालिसिस कर रहा हूं बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड डी वेले मॉडल, पावर लॉ मॉडल है ये, और इसकी यूजिंग यूज से हमने फाइंड किया म्यू अपेरेंट फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड. ओके, और न्यूटोनियन फ्लूड में जैसे म्यू आपकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, अब इसके टाइप्स पे आते हैं. केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड. केस वन में, केस वन अगर आप यहां पर लेते हैं, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड. टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड की स्टडी स्टार्ट करते हैं. अब इसमें सबसे पहले केस वन, केस फर्स्ट आपका क्या आया फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, क्या आया, म्यू इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन माइनस वन. ओके, एंड दिस म्यू रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन टाउ एंड डी यू ओवर डी वाई. ओके, क्लियर सी बात है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में भी ये स्लोप ही शो कर रहा है. दिस इज टाउ एंड दिस इज डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी. ओके, इस एक्सिस के बीच में जो कर्व बनेगी या जो लाइन बनेगी उसके स्लोप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो केस फर्स्ट में आते हैं. केस फर्स्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं, एन इज ग्रेटर देन वन. अगर मैं एन को एक से बढ़ा लेता हूं, केस फर्स्ट, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, तो एक बात आप बताओ, जब n ग्रेटर देन वन होगा, n ग्रेटर देन वन होगा, इफ n इज ग्रेटर देन वन, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे फ्लो होता है, फ्लो क्या होता है, फ्लूड में अगर आप फ्लो की जब बात करते हो तो फ्लूड में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो डिफॉर्मेशन हो रही है सियर स्ट्रेस के कारण और सियर फोर्स के कारण, जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो कंटिन्यूअस होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लो. ओके, तो फ्लो में ये डी थीटा ओवर डी टी और डी यू ओवर डी वाई कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे डी यू ओवर डी वाई इंक्रीज होगा म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बाई मैथमेटिकली एन अगर एक से बड़ा है तो पावर ऑलवेज क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एन माइनस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर इफ एन इज ग्रेटर देन वन देन एन माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो.
तो ये जब पावर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो जैसे जैसे फ्लो होगी तो डी ओवर डी वाई इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे डी ओवर डी वाई इंक्रीज होगी आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ डी ओवर डी वाई, ध्यान से देखना, डी ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी, ये तो ड्यूरिंग फ्लो, फ्लो के ड्यूरिंग क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी पावर क्या है, पावर n इज ग्रेटर देन 1 है तो पावर आपका पॉजिटिव है, तो म्यू क्या होगी, म्यू ऑल्सो इंक्रीजेज, इट मीन्स स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे डी ओवर डी वाई इंक्रीज होगी आपका स्लोप क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस फ्लूड इज कॉल्ड डायलेटेंट, डायलेटेंट फ्लूड। फर्स्ट टाइप ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूड डायलेटेंट, डायलेटेंट फ्लूड में कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होगा। तो अगर आप यहां पर देखो तो इसके कर्व को अगर बनाओ, जैसे जैसे डी यू ओवर डी वाई इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी यू ओवर डी वाई क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, तो ये कर्व कैसी होती जाएगी, इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, दिस इज, सॉरी, ठीक है, दिस इज डायलेटेंट फ्लूड, डायलेटेंट फ्लूड, यानी कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखते जाओ तो स्लोप क्या होते जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्लोप, इसका कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स डायलेटेंट फ्लूड। ओके, नाउ वी विल मूव इन केस टू, केस टू में आते हैं, केस टू में देखते हैं, इफ एन इज लेस देन जीरो, इफ एन इज लेस देन जीरो दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड स्यूडो, स्यूडो प्लास्टिक। ओके, एन इज लेस देन जीरो तो आप यहां पर देखो तो म्यू इज इक्वल टू, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड म्यू इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन माइनस वन। अब जैसे जैसे n, n का वैल्यू हमने क्या ले लिया, n लेस देन जीरो, इफ n लेस देन जीरो देन n माइनस वन इज ऑलवेज लेस देन जीरो, n इज लेस देन, नॉट जीरो, सॉरी, दिस इज लेस देन वन, दिस इज लेस देन वन, एन इज लेस देन वन देन एन माइनस वन इज ऑलवेज लेस देन जीरो। तो जैसे जैसे डी यू ओवर डी वाई ड्यूरिंग फ्लो, डी यू ओवर डी वाई इंक्रीज होगी तो टाउ वर्सेज डी यू ओवर डी वाई कर्व पे, टाउ वर्सेज डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी कर्व पे आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे फ्लो में क्या होता जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी स्ट्रेन रेट क्या होगी, एंगुलर डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा स्लोप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि स्यूडो प्लास्टिक को अगर मैं टाउ वर्सेस डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी कर्व पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड डिक्रीजिंग स्लोप की फ्लूड होगी, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप कर्व। ओके, लाइक दिस। ओके, दिस अगर इसमें आप देखो इस कर्व में तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर आपका दिस रिप्रेजेंट्स द स्यूडो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक। इस कर्व में क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे डी ओवर डी वाई इंक्रीज हो रही है स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है इन दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, इस पे आप ये भी लिख सकते हो एन इज लेस देन वन। ओके, दिस इज स्यूडो प्लास्टिक। थर्ड वन इज द टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का थर्ड टाइप क्या है, बिंगम प्लास्टिक। तो यहां पर देखते हैं केस थ्री, अभी टोटल एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे जब ये कंप्लीटली हम एनालाइज कर लेंगे, फिर हम एक एक फ्लूड का एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे कि किस फ्लूड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो केस थ्री में आते हैं, इफ एन इज इक्वल टू वन दिस इज बिंगम प्लास्टिक,
Bingham, plastic, or ideal, Bingham, plastic. Bingham, plastic. इसमें क्या होता है कि अगर आप यहां पर देखो म्यू इज इक्वल टू एम डी यू ओवर डी वाई टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है. अगर एन को मैंने वन ले लिया तो म्यू इज इक्वल टू एम, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एम हो जाएगा कॉन्स्टेंट. इसका अगर कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है टूथपेस्ट. टूथपेस्ट में अगर आप देखते हो तो मैंने फ्लूइड का डेफिनेशन क्या बताया था, फ्लूइड का डेफिनेशन होता है कि अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स द फ्लूइड विल मूव, विल फ्लो. ओके, तो हाउएवर स्मॉल द फोर्स मे बी, तो शियर फोर्स कितना भी छोटा हो अगर हमने उस पर अप्लाई किया तो फ्लूइड मोशन में आ जाती है. ओके, तो यहां पर हम देखते हैं जब आप टूथपेस्ट का यूज करते हो तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो एक लिमिटेड फोर्स के बाद फ्लो स्टार्ट होती है. तो वो बिंगम प्लास्टिक जनरली क्या करता है कि फ्लूइड के लॉ को क्या करता है, फ्लूइड के लॉ को वायलेट करता है. द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड उसको क्या करता है, बिंगम प्लास्टिक वायलेट करता है. इसलिए हम इसे एक फ्लूइड में कंसिडर नहीं करते, इट इज नॉट कंसिडर एज अ फ्लूइड. बट इसका अगर आप डायग्राम, इसका अगर कर्व देखना चाहो तो कैसा बनता है, टाउ डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी. तो एक लिमिट के बाद, आफ्टर वन लिमिट, अगर अगर एक लिमिट तक मैं बात करूं, सिंपल कि एक लिमिट तक आया, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आप यहां पर देखो तो म्यू इज इक्वल टू एम, एम इज कॉन्स्टेंट. इफ एन इज इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन हो गया तो दिस टर्म इज इक्वल टू वन, टोटल डी यू ओवर डी वाई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन. तो फॉर दिस म्यू इज इक्वल टू एम, और म्यू जब एम इज कॉन्स्टेंट तो म्यू क्या होगा, थ्रू आउट डी यू ओवर डी वाई कितना भी इंक्रीज हो और डिक्रीज हो म्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स ये क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट. ओके, दिस इज कॉन्स्टेंट. तो इसको आप कह सकते हो आइडियल बिंगम प्लास्टिक, ठीक है. इसके लिए एक नोट लिखते हैं, एक सिंपल सा नोट. नोट में यहां पर देखते हैं बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक वायलेट्स द लॉ ऑफ फ्लूइड, द लॉ ऑफ फ्लूइड. दैट्स वाई दिस इज नॉट considered as fluid. Okay, or violates the law of fluid. What is the law of fluid? Under the action of small shear force, the fluid will flow. Okay, लेकिन बिंगम प्लास्टिक में आप देखते हो घर में टूथपेस्ट आप यूज करते हो सिंपल, तो एक प्रेस करने के बाद after some limit क्या होता है, वो फ्लो स्टार्ट होती है. डेट्स वाई इसे हम फ्लूइड में कंसिडर नहीं करते हैं, ये वायलेट करता है लॉ ऑफ फ्लूइड को. ओके, दिस इज द डायग्राम, टोटल डायग्राम हेयर. दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एनालिसिस ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. एंड इन दिस स्लाइड वी सॉ द कर्व ऑफ डायलेटेंट फ्लूइड, एंड इन दिस स्लाइड वी सॉ द कर्व ऑफ स्यूडो प्लास्टिक, एंड इन दिस वी सॉ द कर्व ऑफ आइडियल बिंगम प्लास्टिक. अब इन सबको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे एक कर्व में. यहां पर अगर देखते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टाइम इंडिपेंडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में
अगर एक कर्व पे टोटल फ्लूड को रिप्रेजेंट मुझे करना है एक कर्व पे, तो यहां पर देखते हैं, दिस इज टाउ, दिस इज डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी। सिंपल, स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले ऑल फ्लूड्स, दिस डायग्राम, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, इट मीन्स एन इज ग्रेटर देन वन, एंड दिस कर्व इज फॉर डायलेटेंट फ्लूड। इन फॉर दिस कर्व एन इज लेस देन वन, एंड दिस रिप शोज स्यूडो प्लास्टिक, एंड इन दिस म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इज इक्वल टू वन, दिस इज बिंगम बिंगम प्लास्टिक। ओके, दिस इज बिंगम प्लास्टिक। सो दिस इज द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले न्यूटोनियन फ्लूड का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूड का देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूड में म्यू कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल इज वाटर, ऑयल, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, मरकरी एक्सेट्रा। सेकेंड वन, नॉन न्यूटोनियन में डायलेटेंट, डायलेटेंट फ्लूड के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायलेटेंट फ्लूड के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे राइस स्टार्च, शुगर इन वाटर एक्सेट्रा, स्यूडो प्लास्टिक। एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो प्लास्टिक इज ब्लड, मिल्क, कोलाइडल सॉल्यूशन, एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक इज टूथ पेस्ट और एनीथिंग विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक क्रीम, ट्यूब एक्सेट्रा। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब कुछ फ्लूड्स ऐसे होते हैं, सर्टेन फ्लूड शोज वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टाइम। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस थ्री टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, डायलेटेंट, स्यूडो प्लास्टिक एंड बिंगम प्लास्टिक, डजेंट डिपेंड अपॉन टाइम। दिज आर द टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। बट सम फ्लूड्स, सर्टेन फ्लूड्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम। ओके, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिज एग्जाम्पल्स आर, यहां पर देखते हैं, टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। देर आर टू टाइप, वन इज थिक्सोट्रॉपिक एंड अनदर इज रियोपेटिक।
rheopactic fluid. Okay, thixotropic fluids and rheotropic fluids. इसमें दो ही चीजें होती हैं, सिंपल सी बात है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी डिक्रीज होगी. तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड्स वो होती हैं जिनमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी क्या होती है. अगर आप विस्कोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहो तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी डिक्रीज होती है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ओके, इन थिक्सोट्रॉपिक. बट इन रियोपेटिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम द विस्कोसिटी विल इंक्रीज. ओके, तो थिक्सोट्रॉपिक के कुछ एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, सिंपल क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, पेंट्स. आप घर में सिंपल देखते हो, पेंट को कुछ दिनों के लिए रख दो तो पेंट की विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. लिपस्टिक एक्सेट्रा आर द एग्जांपल एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर गिवन इन ऑल रेफरेंस बुक्स. ओके, तो इसमें आप देखते हैं दो एग्जांपल मैंने दिया, पेंट्स एंड लिपस्टिक. अगर मैं यहां पर उसे शो करना चाहूं रियो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड को, तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड का क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द विस्कोसिटी विल डिक्रीज. तो इसका अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ कुछ इस तरह से इनिशियली कुछ उसकी विस्कोसिटी होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. और रियोपेटिक फ्लूड में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. अब देखते जाओ, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स रियोपेक्टिक एंड दिस रिप्रेजेंट्स थिक्सोट्रॉपिक. ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ रियोपेटिक इज रियोपेटिक फ्लूड का कोई एग्जाम्पल, जिप्सम सॉल्यूशन इन वॉटर, ओनली वी कैन सी दिस इज द रेयर एग्जाम्पल, ओनली जिप्सम. और आपको एग्जांपल्स और बाकी बुक्स में भी मिल जाएंगे. तो रियोपेटिक फ्लूड वो फ्लूड जिसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, दैट फ्लूड इज कॉल्ड रियोपेक्टिक. एंड थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड विल डिक्रीज. ओके, वन मोर फ्लूड मैं इसी में एक और फ्लूड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. वो सिंपल आपने हर एक बार देखा आइडियल फ्लूड, द वर्ड आइडियल फ्लूड, एक वर्ड आता है आइडियल फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी क्या हम लेके चलते हैं, देयर इज नो आइडियल फ्लूड एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. ओके, कोई ऐसा फ्लूड नहीं है जो आइडियल हो जिसकी विस्कोसिटी जीरो. तो अगर मैं आइडियल फ्लूड को इस ग्राफ पे शो करना चाहूं, यहां पर ही शो कर देते हैं कि आइडियल फ्लूड को अगर मैं शो करना चाहूं तो उसकी विस्कोसिटी इसमें करते हैं टाउ डीयू ओवर डीवाई पे. तो यहां पर अगर आप देखो तो आइडियल फ्लूड की विस्कोसिटी क्या होगी, जैसे जब फ्लो भी हो रहा है फिर भी विस्कोसिटी इज जीरो. देयर इज नो सच टाइप ऑफ फ्लूड एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, आइडियल फ्लूड. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आइडियल फ्लूड. द विस्कोसिटी इज जीरो, विस्कोसिटी इज इक्वल टू जीरो. देयर इज not such type of fluid exist in this universe. Okay, but we consider water as an ideal fluid. Okay, this is the complete analysis of types of fluid. Okay, the review of this lecture is there are two type of fluids, Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid is further divided into two groups, time independent and time dependent. The time independent is further divided into three parts, dilatant, pseudoplastic and Bingham plastic. हमने इन सबका complete analysis देखा, dilatant fluid increasing curve होता है,
जिसका स्लोप इंक्रीज होता है, स्यूडो प्लास्टिक में स्लोप डिक्रीज होती है, बिंगम प्लास्टिक में स्लोप कांस्टेंट होता है, बट आफ्टर सम टाइम कुछ स्ट्रेस के बाद उस पर क्या होता है, फ्लो स्टार्ट होता है. डैट्स वाई ये वायलेट करता है लॉ ऑफ फ्लूड फ्लो को. डैट्स वाई इसे हम कंसिडर नहीं करते फ्लूड में. देन टाइम डिपेंडेंट, थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोपैटिक. ओके, थैंक यू.